हाय गाइज, वेलकम टू आर व्लॉग्स। और आज दिन भर थोड़ा मैं काम में बिजी था तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। थोड़ी देर पहले मेरी गूंज से बात हुई थी और हम लोग जा रहे हैं पार्क में, क्योंकि ये लोग वहाँ रनिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा घुमाई हो जाएगी, दिन भर मैं घर के अंदर बोर हो गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ गूंज के पास और फिर वहाँ से हम निकलेंगे पार्क के लिए। तो यार, गूंज को लेके मैं आ गया हूँ पार्क है ये मेगा मॉल के पास। कमला करपंथ। यार लाइटें आज बहुत कम हो रही है, एकदम अंधेरा हो गया है। गूंज, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो रहा है यार, बहुत ही अंधेरा हो रहा है। कहीं कहीं पे तो लाइटें लगी हुई हैं, कहीं कहीं पे देखो, ये देखो अंदर, ये मेरे मोबाइल में दिख रहा है ना, जो इतना है नहीं, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मेरे मोबाइल को फोकस करने में भी वक्त लग रहा है। रोहित है, फयाज है, पूजा वगैरह नहीं आ पा रहे, इतने अंधेरे में हम कैसे सीखेंगे पता नहीं। और हमारी हो गई एक्सरसाइज ख़त्म। आज मेरे को मेरा दोस्त भी मिल गया, देखो पुराने दोस्त मिल गए सब यहाँ पे। और आज एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हुई थी और मज़ा आया करके। बहुत दिनों के बाद गए थे हम लोग, मैं था, फयाज था, गूंज और रोहित ने हमें एक्सरसाइज करा रहा था, तो अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत दिनों के बाद। लेकिन अभी स्ट्रेचिंग खुली नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी करने में, अभी धीरे 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 करेंगे तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। अभी हम आए हैं कुणाल के वहाँ, तो कुणाल के वहाँ से निकल ही रहा था कि दोस्त का फ़ोन आ गया और बोला कि चलो थोड़ा टहलने चलते हैं। मैंने कहा चलो, फिर अभी मैं भी फ्री था तो अभी उसी के साथ जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो गाइज, ये बहुत दिनों के बाद मैं वहाँ एक्सरसाइज के लिए जा पाया था। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि अब जाऊँगा एक्सरसाइज पे, तब जाऊँगा, लेकिन ऐसे ही काम के उसमें मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और फिलहाल गूंज लोगों के बहाने से मैं वहाँ पहुँच ही गया और वहाँ मुझे मेरे कुछ पुराने दोस्त भी दिख गए, जो मेरे जब मैं यहाँ पर मुंबई में नया नया आया था तब मैंने कुंग फू और मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया था यहाँ पर, तब मैं उन लोगों के साथ ये सब करता था। और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया तो सब अलग अलग हो गए थे, तो बहुत दिनों बाद मुझे वो लोग मिले थे वहाँ पे कल, तो अच्छा लगा सबसे मिलके। और वहाँ से आने के बाद जब घर पहुँचा था तो मेरे दोस्त का कॉल आ गया था, आपको बताइए। फिर हम तो उसके बाद कुछ बातें की, थोड़ा बहुत घूमे वूमे और फिर रिटर्न टू होम। तो गाइज, आज है 24th of November और 24th of November के बारे में क्या स्पेशल है ये तो बताना बनता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमेशा के लिए, लेकिन एक चीज़ कम से कम जान सकते हैं ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़े और जानकारी हमारी बढ़े। तो आज के बारे में स्पेशल ये है कि आज ही के दिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 50 जड़ी थी, मतलब 50 जड़ी थी मतलब 50 मारी थी, रन लिए थे, 50 रन लिए थे। और उस टाइम पर सचिन तेंदुलकर की एज थी 16 साल 214 दिन के आसपास, और वो पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए थे जिन्होंने इतनी कम एज में 50 जड़ी थी उस टाइम पे, तो ये एक रिकॉर्ड था अपने आप में। तो उन्होंने उस टाइम पे ये कीर्तिमान स्थापित किया था और वर्ल्ड में उनके चर्चे हो गए थे। उसके बाद तो सचिन तेंदुलकर की जर्नी आप सभी जानते हैं, उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी सचिन तेंदुलकर के फैन रह चुके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो गाइस, जब सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड आज बना ही है तो मैं आपको सचिन तेंदुलकर के कुछ और फैक्ट बताता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस, आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन तेंदुलकर कैसे पड़ा? मैं आपको बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर एसडी वर्मन के बहुत बड़े फैन थे। एसडी वर्मन मतलब जिनका नाम था सचिन देव वर्मन, तो उनके बहुत बड़े फैन थे, तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सचिन रखा था, जो सचिन तेंदुलकर हुआ। तो यहां से शुरुआत हुई उनके नाम की। देखो, बाहर के फैक्ट तो आप सभी जानते होंगे, मिल जाते हैं, एक अंदर का फैक्ट मैं बताता हूं कि आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को रात में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के चलते कई बार उनके परिवार वाले और क्रिकेटर्स जो साथी थे बहुत परेशान हुए। 1995 में सचिन तेंदुलकर फेमस हो चुके थे, तो एक बार फिल्म लगी थी रोजा 1995 में, तो सचिन तेंदुलकर का मन किया कि भाई वो फिल्म देखी जाए, तो वैसे जाते तो सब उनको पहचान जाते, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे नकली दाढ़ी मूंछ और चश्मा लगाकर वो उस फिल्म को देखने के लिए चले गए। लेकिन हुआ यूं कि गलती से उनका वो चश्मा गिर गया था और बस फिर तो आप जानते ही, सब लोगों ने उन्हें पहचान लिया और रोजा। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में, कि जब भी
सचिन तेंदुलकर बस में अपनी खिलाड़ी टीम के साथ बैठते हैं तो वो पहली लाइन में बाएं तरफ की खिड़की वाली सीट पर ही बैठते हैं। जी हाँ, ये भी एक फैक्ट है। और दोस्तों आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने जितने भी बड़े स्कोर्स बनाए हैं, जितने भी बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, वो त्योहारों वाले दिन ही बनाए हैं। जी हाँ, या तो उस दिन होली होती थी, रक्षाबंधन, दीपावली, मतलब जो भी कभी त्योहार होते थे ना, उसी दिन उनके ज्यादातर रिकॉर्ड बने। तो ये भी एक अपने आप में मतलब अनोखी चीज है यार। और इस वजह से हमारे सचिन तेंदुलकर जो थे उनको बहुत ज्यादा प्यार मिला। और आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे जीवन में कभी भी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं की, वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आए हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि वो सेकंड पे उतरे हैं, नहीं तो फर्स्ट नंबर पे रहे, लेकिन थर्ड पर कभी नहीं आए। आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर सौरभ गांगुली को बाबू मोशाय कहा करते थे, और सौरभ गांगुली सचिन तेंदुलकर को छोटा बाबू कहकर पुकारते थे। वैसे तो अभी छोटा बाबू कई लोग आजकल अपने बाबुओं को भी बोलते हैं लोग। और आज का आखिरी फैक्ट ये है कि जब सचिन तेंदुलकर खेलने के लिए फर्स्ट टाइम आए थे, तो उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने उनसे एक प्रॉमिस लिया था, प्रॉमिस के लिए था, उनको एक सलाह दी थी कि हमेशा शराब, सिगरेट और तंबाकू, दारू, जो भी है, इन सब के विज्ञापनों से दूर रहना। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने पिताजी को वो वादा किया था और आज तक उस वादे को निभाया, और कभी भी उन्होंने इस तरीके के कोई ऐड नहीं किए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस चीज के लिए यार सचिन तेंदुलकर की तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग पैसे के लिए आजकल क्या क्या करते हैं। उन्होंने कभी इस चीज को प्रमोट नहीं किया, तो ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है। तो गाइज ये थे हमारे आज के फैक्ट जो सचिन तेंदुलकर के बारे में थे। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाए। तो आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।